हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेरा। आज मैं बताऊंगा आपको टेली के अंदर आप अपना किस तरह से अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, किस तरह से आप अपना बिजनेस टेली के अंदर सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कंपनी क्रिएटिव। इसके लिए आप अल्ट F3 पे आओगे। इसके अंदर कंपनी इनफो, इसके अंदर आपको आ रहा सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्ट। तो आपको कंपनी क्रिएट करना है, तो आप किस तरह से कंपनी क्रिएट करोगे? तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। क्रिएट कंपनी के ऊपर आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पे कंपनी क्रिएटेशन का एक लिस्ट आ जाता है। इस फॉर्म को आप भरकर कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आ रहा है इसमें डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है कि जब हम अपना कंपनी क्रिएट करते हो तो उसका एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है। जो भी आप कंपनी के अंदर डाटा या एंट्रीज करोगे वो उस डायरेक्टरी में जाकर सेव होगा। डायरेक्टरी को आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ये डायरेक्टरी में सी हुआ लगा हुआ है, सी की जगह आप इसको डी ई एफ, जिस भी आप ऑप्टिकल ड्राइव में अपना डायरेक्टरी सेव करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद क्या है, नेम। नेम में आप अपने कंपनी का नेम, जो भी आपकी कंपनी का नेम है, जैसे मान लो मेरी कंपनी का नेम है इसकी IT, वो मैं डाल देता हूँ। मिलिंग नेम्स में जो भी मेरी कंपनी का पूरा नेम है, मिलिंग नेम एक्स के IT रहने देता हूँ, या फिर श्री खाटू श्याम इन्फो टेक टेक्नोलॉजी, इस टाइप से मेरा कंपनी है। इसको बाद आता है एड्रेस। एड्रेस में कहाँ पे आपका ये कंपनी है वो आप एड्रेस डाल दो। जैसे मान लो मेरा ये लक्ष्मणगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ अलवर, अलवर में है, तो आपने यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ अलवर कर दिया। इसके बाद स्टेटरी कंप्लेंस फॉर, तो आपका स्टेटरी कंप्लेंस कहाँ कहाँ है। आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लोगे, किसी और अंदर कंट्री से हो तो आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टेट, आप किस राज्य से हो, इंडिया के किस राज्य से। मैं इंडिया के राजस्थान से हूँ तो मैं यहाँ पे राजस्थान को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आता है पिन कोड, जहाँ पे मेरा कंपनी वहाँ का पिन कोड है 3216-07, वो मैं यहाँ पे सेव करा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईमेल। इसमें आप अपना ईमेल डाल सकते हो, जो भी आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस है। जैसे मान लो मेरा एड्रेस, ईमेल एड्रेस है shersingyadav.yadav@gmail.com, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सॉरी, ये मैं टेलीफोन के नंबर में अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, तो इसको मैं यहाँ से सारा कुछ हमारा फिर से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं नेम पर। नेम में हम अपना कंपनी का नेम डालते हैं, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है मिलिंग नेम, उसको ऐसे रहना। एड्रेस जहाँ पे आपका कंपनी है उसका एड्रेस डालना है। जैसे मान लो मेरा कंपनी अलवर है, लक्ष्मणगढ़ अलवर है, तो मैं लक्ष्मणगढ़ अलवर डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद आता है ये आपका कंपनी है कहाँ पे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, UK, इंडिया। तो मेरा कंपनी इंडिया के अंदर है तो मैं इंडिया डाल दूंगा। इंडिया के मैं कहाँ पे, राजस्थान में है तो राजस्थान डाल दिया। इसके बाद आता है पिन कोड, पिन कोड जहाँ पे मेरा कंपनी है वहाँ का मैं पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद आता है टेलीफोन नंबर, जो भी मेरा कंपनी का टेलीफोन नंबर है वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आता है ईमेल, जो भी मेरा ईमेल है वो मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा। जैसे मेरा मान लो ईमेल है shersingyadav.yadav@gmail.com। उसके बाद आता है करेंसी ऑफ सिंबल, इंडिया के अंदर क्या करेंसी चलता है। आपने इंडिया लिया तो इंडिया में RS चलता पैसा, तो आप यहाँ पे RS ही रहने देंगे। इसके बाद आता है मेंटेन, आपको टेली में क्या मेंटेन करना है, तो टाइप ऑफ कंपनी में आप क्या मेंटेन करोगे। इसमें पहला फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट ओनली, आपको मान लो अकाउंट ही मेंटेन करना तो आप यहाँ पे अकाउंट ओनली ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको अकाउंट के साथ आपके गोडाउन स्टॉक्स उनको भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप अकाउंट्स विद इन्वेंटरी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपको जैसे मान लो आपके गोडाउन स्टॉक्स सब कुछ को आपको मेंटेन करना है तो आप उसके साथ में आप इन्वेंटरी विद अकाउंट्स को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर हमारा एक अप्रैल
से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो ये 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर होता है सब कंपनियों का। जो भी आपका 1 ईयर के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सब कुछ आपको 1 ईयर का पीछे TCS वगैरह जो टैक्स पे करते हैं उस टाइम आपको दिखाना होता है सब कुछ। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना फाइनेंशियल ईयर जैसे मान लो 2016-14 से ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप बुकिंग बिगेनिंग फ्रॉम बुक्स बिगेनिंग फ्रॉम मतलब आप इसके अंदर कब से काम स्टार्ट कर रहे हो। मान लो आपने इसके कंपनी क्रिएटेशन के 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी काम स्टार्ट किया उस टाइम आप इस पे मौका डाल देते हो। जैसे मान लो आपने कंपनी क्रिएट जब भी काम स्टार्ट करते हो वो डेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। मान लो हमने इसमें स्टार्ट किया 15-4-16। उसके बाद आप अगर अपनी अकाउंट पे पासवर्ड डेली पे आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो। लेकिन पासवर्ड लगाने से पहले एक बात याद रहे, अगर आप किसी कारण पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका पूरा डाटा क्रैश हो जाएगा, अनयूजेबल। अगर आप पासवर्ड भूल जाए इस पर लिखा भी हुआ है वार्निंग फॉर गेटिंग योर टेली वॉलेट पासवर्ड विल रेंडर फॉर डाटा अनसेवेबल अनयूजेबल। अगर आप इसका पासवर्ड भूल जाते हो और आपको पासवर्ड नहीं आता है तो आपका ये डाटा अनयूजेबल है, ये आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इसको यूज करने लायक नहीं बना सकता। ये आपका डाटा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपको सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप डालो तो ध्यान से देख के डालना। इसके बाद आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या यूज आता है सिक्योरिटी कंट्रोल का। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन। बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन के अंदर आप को कुछ भी चेंजेज नहीं करने हैं, जो भी कुछ है आप बस ओनली एंटर करते आइए। एंटर के बाद ये हो गया हमारा कंपनी क्रिएट और यहाँ पे सेलेक्ट भी हो गया है इसके आईटी। इसके अंदर हमने डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो हमने कोई एंट्री की नहीं तो डेट भी नहीं शो करेगा। नो वेल वाउचर्स एंटर्ड, हमने कुछ वाउचर्स भी नहीं बनाए हैं इसके अंदर इसलिए हमारा वाउचर भी नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी के अंदर अपना कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एस के आई टी के नाम से पहले भी दो कंपनी क्रिएट किए हुए थे वो भी हो गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना कंपनी क्रिएट वो सेलेक्ट करते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हम कोई भी काम करना हो एस्केप कीजिए। उसके बाद आप गेटवे ऑफ टेली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली के अंदर आप आगे का काम मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको टेली का नेक्स्ट फीचर्स के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। इसी तरह मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो बनाते रहूँगा।